की सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष जी, बिहार के विकास पुरुष और हम सबों के नेता, दलित शोषित पिछड़ों की आवाज, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री संजय झा जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं सांसद श्री संजय जायसवाल जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, माननीय मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी, माननीय मंत्री श्री सुशील सिंह जी, माननीय मंत्री सीता मंडल जी, माननीय मंत्री मदन सहनी जी, पूर्व सांसद अशरफ फातमी साहब, माननीय सांसद राज्यसभा में सदन के नेता श्री रामनाथ ठाकुर जी, विजय सिंह जी विधायक, माननीय स्थानीय सांसद श्री प्रिंस राज जी, माननीय संसद सदस्य श्रीमती वीणा देवी जी, माननीय मंत्री माननीय विधायक श्री संजय सराज जी और एनडीए गठबंधन के तमाम मंच पर जितने भी लोग हमारे विधायक सांसद पूर्व विधायक और प्रत्येक एनडीए गठबंधन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी को आज की सभा में आने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई और बहनों, आज आपने इस विषम परिस्थिति में आपने जो आने का समय दिया, आने का कष्ट किया, इसलिए मैं आपको अपने दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। ये चुनावी सभा है और स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी आज हम लोग के बीच नहीं रहे। समय से बहुत पहले वो हम लोग को छोड़ के चले गए। लगता है कि हम लोग से कोई चूक हुआ होगा और हम लोग के को छोड़ के बहुत पहले चले गए। ये बाबा भोले की नगरी है और उनके जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी जी भी 15-20 दिनों के बाद वो भी स्वर्गवास हो गई। उस सदमा को सहन नहीं कर सकी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी का बेटा श्री अमन भूषण हजारी जी को उन्होंने एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार बनाया और मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि आप निश्चित रूप से आप कुशेश्वर स्थान की जनता ही अमन हजारी के माँ और बाप हैं और माँ बाप का कर्तव्य होता है बच्चे का लालन पालन करना। आप 15 वर्ष पूर्व का 1990 से लेके और 2005 के शासन को याद करिए, पति पत्नी का शासन को याद करिए और 2005 से लेके आज 2021 है, इस शासन को देखिए कि कितना अंतर है। दलितों के, गरीबों के, अति पिछड़ों ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों को समान देना हमारे माननीय। वो आप 30 तारीख को महापर्व समझिए। माता और बहनों से खास के मेरा आग्रह है, उस दिन खाना नहीं बनाइए, पहले जाके अपना मतदान करिए, फिर घर पर आके खाना बनाइए। उस दिन महापर्व है और तीर छाप पर आप अपना बटन दबा के अमन हजारी जी को बहुत अधिक से अधिक मतों से विजय बनाइए। ये बाबा भोले की नगरी है, बाबा भोले की नगरी में कोई निराश होकर नहीं लौटता है। मतलब मेरा आपसे आग्रह, पूरा आग्रह है कि आप एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार श्री अमन कुमार हजारी जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनावे। जय हिंद, जय भारत।